अक्सर हमारी कदर वो लोग बिल्कुल नहीं करते जिनकी हमें जरा सी भी परवाह होती है। हम उनके साथ कितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लें, पर कहीं ना कहीं वो हमें इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे हम उनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखते। जैसे हमें तो वो बोल देंगे कि मैं बिजी हूँ या अभी बात नहीं कर सकता या काफी रूड होकर रिप्लाई देंगे। वहीं वो अपने पसंदीदा लोगों के साथ हंस हंस कर बात कर रहे होते हैं, कहीं भी घूमने जा रहे होते हैं। ऐसे में खुद को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये शख्स हमें बिल्कुल नहीं समझ रहा या हमें इग्नोर कर रहा है। हम सबकी जिंदगी में ऐसा अधिकतर लोगों के साथ होता ही है। तो आज मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ वो आपको कहीं ना कहीं सामने देखने पर, जिंदगी में आगे बढ़ने पर मोटिवेट करेगी, जिनसे आप ऐसी सिचुएशन से डील करना आसानी से सीख जाओगे। तो बस आप जुड़े रहिए इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कोई भी इंसान सडनली इग्नोर करना शुरू नहीं करता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें पहले से हो रही होती है, बस हम उसे नजरअंदाज कर रहे होते हैं। जैसे हमेशा आपका ही उस इंसान को मैसेज करना, हमेशा आप ही का वेट करना कि कब उसका रिप्लाई आएगा, हमेशा खुद में ही उसे सोचना कि कब वो खुद आकर बात करेगा। तो ये जो एक तरफा चीजें हो रही होती है, यही कहीं ना कहीं हमें बता रही होती है कि सामने वाला हम में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। पर बावजूद इसके हम अपनी उम्मीदें बढ़ा लेते हैं, जिससे हमें और ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तो यार ये चेप होने वाली चीजें ना करके सिचुएशन को समझने की कोशिश किया करो। वो जो आप में इंटरेस्टेड होगा वो आपको इतना वेट करने ही नहीं देगा, आपको एक तरफा चीजें करने ही नहीं देगा। और यार सामने से डायरेक्ट पूछने की कोशिश किया करो, सामने से चीजें बोला करो कि क्या प्रॉब्लम है। जब आप फेस टू फेस ये सब चीजें क्लियर करने की कोशिश करोगे तो आपको सच जानने को मिलेगा। उसके फेस के हाव भाव से, उसकी बातों से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगेगी। डायरेक्ट बोला करो कि मैं ये फील कर रहा हूँ, तू बता इस तरह इग्नोर क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है, या क्या चीजें हैं मन में जो इस तरह से बिहेव चेंज हुआ। जब आप ये सब चीजें सामने से पूछोगे तो सामने वाला ऑटोमेटिकली बोलने लगेगा कि यार मैं बिजी रहता हूँ या इतना मत सोचा कर। इससे आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि सामने वाला पर्सन आपके लिए वो फील नहीं करता जो आप फील करते हो। और हो सकता है कि आप दोनों में बात होते होते उसको आपकी कोई बात बुरी लगी हो, जिस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहा हो, तो ये चीजें भी फेस टू फेस क्लियर हो जाएगी। किसी से भी हद से ज्यादा अटैच होने से पहले ये मन में बैठा कर रखा करो कि अगर इस शख्स से मेरी कभी बात बंद हुई भी तो भी मैं रोते रोते जिंदगी नहीं बिताऊंगा। बात बहुत छोटी है पर हिम्मत बहुत देती है। जब आप खुद से ये बात सीरियस होकर बोलते हो तो आपका माइंड आपको ऐसी सिचुएशन से लड़ने की ताकत देता है। असल में यार लोग सडनली कभी भी चेंज हो जाते हैं। उनकी लाइफ में कोई और आया या उनका हमसे मन भर गया या कोई भी बात हुई तो उनका बिहेवियर चेंज होने में मिनट भी नहीं लगता। और ऐसे में जिस पर्सन की हद से ज्यादा अटैचमेंट होती है वो बंदा टूट जाता है। तो प्लीज ये खुद को खोने वाली हरकत ना करके टेम्परेरी चीजों को भाव देना बंद कर दो। मतलब ऐसे लोग जो वक्त के साथ अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं, उनके लिए आंसू बहाना छोड़ दो। ये सब चीजें हमारे माइंड पर बेकार का प्रेशर डालती है, फिर ना तो हम कुछ रह पाते हैं और ना ही वो चीजें कर पाते हैं जो हमें कामयाबी दिलवाएगी। और यार जब भी आपको लगने लगे कि ये शख्स इग्नोर कर रहा है, मतलब आपने सब बातें कर ली, सब कुछ जान लिया, उससे कुछ भी बात नहीं है और उसके बाद भी इग्नोर कर रहा है, तो अब आपको भी थोड़ा स्पेस तो बनाना होगा। हर टाइम अवेलेबल रहने से सामने वाला यही सोचता है कि ये तो मेरे लिए पागल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं करना। आपका खुद का भी एक एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जिसके ऊपर अगर कुछ चीजें होने लगे तो आप उन चीजों को ही खत्म कर दो ताकि आपकी इज्जत बनी रहे। ऐसे में आपको उनसे हल्की हल्की दूरी बनानी शुरू करनी होगी, अपने आप को अपनी पसंदीदा चीजों में बिजी रखना होगा, बात करनी होगी उन लोगों से जो आपसे प्यार करते हैं, जो चाहते हैं आपके साथ रहना, जो आपको बोलते हैं कि मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूं या चाहती हूं, या आपसे बात करके अच्छा लगता है। ऐसे लोगों से बात करके हमें खुद ही अच्छा लगने लगता है, हम खुद ही एक पॉजिटिव लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छा, कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। इसके साथ ही हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना कभी भी ना भूलें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।